हम चाहते हैं कि आप जानें कि इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आपके काम के साथ कोई वास्ता हो, तो हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, काम करने का तरीका बदल गया है, समुद्री बचाव बदल गया है, हमें सबमरीन पायलट की जरूरत नहीं है, हमें तो सबमरीन की भी जरूरत नहीं है। अब क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे तो तुम बेकार हो चुके हो और मुझे इसका अफसोस है, लेकिन मैंने बॉब टॉरेस से खुद बात की है और उन्होंने कहा है कि वो अगोरा से बात करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ न कुछ काम मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम तुम्हें 8,640 पाउंड्स का मुआवजा दे सकते हैं। तो क्या तुम्हारी कोई पेंशन है, कोई प्राइवेट पेंशन? मैं 11 साल से अगोरा में हूं और एक सबमरीन में काम कर रहा हूं पिछले 30 सालों से। इस काम के लिए अपना परिवार खो दिया मैंने। वो चाहते हैं कि तुम अपना डेस्क खाली कर दो आज ही। और उसकी पिछली नौकरी से पहले आप नौसेना में 15 साल से थे? हाँ। आपने क्यों छोड़ा? किसी से अनबन हो गई थी। एकदम बकवास है। हाँ, एक तरह से तो ये बकवास ही है। सुन, तुम ठीक हो? क्या? तुम कुछ थके वैसे लग रहे हो। हाँ नहीं, मैं उन्होंने मुझे ये टैबलेट्स दी हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, कहा इससे मेरा दिमाग ठीक रहेगा। पीने के लिए तो सही हो ना? हाँ हूँ तो। मुझे यकीन नहीं होता उन कमीनों ने तुम्हें निकाल दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये मजाक है। मेरा मतलब जब उन्होंने कर्स्टन को निकाला था वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन तुम बुरा मत मानना, बुरा मत मानना दोस्त। तो बस बकवास करते रहो। तुम जैसे आदमी को निकालना बकवास है। वो चाहते हैं कि मैं बर्गर बनाऊं। कमीने। जब मैं जवान था मैं बस सेक्स के बारे में ही हमेशा सोचता था। सेक्स। अब सिर्फ मैं पैसों के बारे में सोचता हूं।
पैसों के बिना मेरे दोस्त तुम बेकार हो इस अनोखी दुनिया में दोस्त। कल मैंने रोड पर मार्टिन को देखा, मेरा बेटा 12 साल का है। सड़क के पार से देखा मैंने उसे, बड़ा स्कूल, अच्छा घर। मेरा बेटा एक अमीर कमीने की परवरिश में, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा। कृषि कैसी है, वो कैसी दिखती है? अच्छी, काफी अच्छी दिखती है। हमें बकवास सहने की जरूरत नहीं है, हमें बकवास नहीं सहना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि मैं जानता हूं, हमें ऐसे नहीं रहना है। मैं पैसे कमाने का तरीका जानता हूं, उनका पैसा, पर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काबिलियत नहीं है। तुम्हारी जरूरत है, तुम ये काम कर सकते हो, बस तुम ही कर सकते हो। अगोरा ने जब मुझे निकाला उससे पहले मैं उनके साथ ब्लैक सी पर गया था, वहां हमने कुछ ढूंढा। लेट हो गए और क्या हालत बना रखी है? और ये कर्स्टन कहाँ रह गया? उसने आज सुबह फोन किया था, वो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? वो बीमार है। वो बीमार है? ऊपर वाला उसका भला करे, काश उसको कैंसर हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करना। हाँ में हाँ मिलाओ, अच्छे से रहना, कोई भी पागलपन नहीं चाहिए मुझे। अगर वो पूछे तो ही जवाब देना है, और जो नहीं कहना है वो बिल्कुल नहीं कहना है। ओके? और गलती से भी उसका नाम मत पूछना, और प्लीज प्लीज जो भी तुम करो मत पूछना कि तुम इसमें कितना इन्वेस्ट करने वाले हो। सर, ये रॉबिन्सन है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। क्या नाम है आपका? हमसे कितना पैसा लगाने वाले? तो 1941 में नाजी जर्मनी पूरी तरह से करीब करीब बर्बाद हो गई थी, और उस समय रूसी निरपेक्ष थे, और स्टालिन को डर था कि कहीं जर्मनी उस पर हमला ना कर दे, तो हिटलर ने इसका इस्तेमाल किया और रूस से कर्जा मांग लिया। 80 मिलियन राइसमार्क सोने में, और उसके बाद कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, क्योंकि एक हफ्ते बाद हिटलर ने हमला कर दिया था और समझौता तोड़ दिया था। युद्ध के 4 साल बाद 20 अरब मारे गए, पर 50 के दशक में एक अफवाह फैलने लगी, और वो भी पॉलिब्यूरो के सबसे ऊंचे ओहदे में, कि स्टालिन मान गया है। हिटलर ने एक यू बोट भेजी और स्टालिन ने उसमें 2 टन सोना भरा और उसे वापस भेजा, पर सोना हिटलर को मिला नहीं और उसने आक्रमण किया। तो सब भूल गए हैं इस बात को, पर 80 के दशक में एक ओशियानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जॉर्जिया के तट के पास कई कम गहरी चोटियां ढूंढ निकाली हैं। मैं अगोरा मरीन मैनेजमेंट के लिए काम करता था, वो डूबे जहाजों को ढूंढते और निकालते। उन्होंने उन चोटियों में एक यू बोट ढूंढी थी, सतह से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर। हम पहुंच सकते हैं वहां। मिस्टर लुईस को लगता है कि वो वही है। 2008 में वो इस सूचना को जॉर्जिया सरकार के पास ले गए थे, और उनके साथ उन्होंने एक सौदा किया और जॉर्जिया सरकार मान गई, और 1 महीने बाद रूस और जॉर्जिया में लड़ाई हो गई, सीमाएं हट गई, और उस समुद्र के मालिकाना हक पर तब से झगड़ा चल रहा है। रूसियों को पता ही नहीं कि सबमरीन अभी कहाँ है, पर जॉर्जिया को पता है कि उसका असली लोकेशन कहाँ है। जब तक झगड़ा खत्म नहीं होता वहाँ कोई नहीं जा सकता, और अब वो मामला राजनीतिक मामला बन चुका है। तब तक वो सबमरीन समुद्र के नीचे बैठी रहेगी, सोने से भरी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे एक सबमरीन चाहिए। ब्लैक ही के सेवस्टोपोल में लोग हैं, लेकिन पैसा लगेगा, 180,000। और हाँ, मुझे आदमी भी चाहिए, आधे अंग्रेज और आधे रूसी। सबमरीन रूसी है तो रूसी लोग चाहिए। मैं पूरे 40% लूंगा, जो $40 मिलियन का होगा, और अगर ज्यादा निकला तो 20% एक्स्ट्रा। ये तो
ठीक है। प्रेस्टन, सब ठीक है? मुझे वापस कॉल करो जरा। तो कितने आदमी चाहिए हमें? ये फॉक्स ट्रॉट क्लास सबमरीन है, तुम्हें नाव पर चलना होगा। कम से कम 12 लोग चाहिए होंगे। ठीक है, हम दो हैं, प्रेस्टन फिर रेनॉल्ड्स और पीटर्स। नौसेना में हम दोनों के साथ थे। और रूसी इलेक्ट्रिक के लिए येसोफ कैसा रहेगा? अच्छा आदमी है। वैसे वो बड़ा शराबी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जगह पर लेव चेको को ले लो। इंजन इंजन पर जैफ स्टेफ और सोनार पर बाबा, रूसी नौसेना के बढ़िया कान। चार्ज के लिए मोरोजोव। हेलो। चार बोट के अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल का इस्तेमाल करेगी। ब्लैक सी का बेड़ा ऊपर की तरफ, ड्राइवर्स के साथ करेंगे। एस्केप कंपार्टमेंट को हम हाइपरबैरिक चैम्बर में बदल देंगे। अंदर घुसकर बाहर कोई देख नहीं पाएगा। तुम्हें अच्छे ड्राइवर्स की जरूरत होगी। फ्रेजर को जानते हो तुम? हाँ, मैं फ्रेजर को जानता हूँ। वो थोड़ा सा पागल है। हाँ, पागल तो है लेकिन ड्राइवर बढ़िया। आधा आदमी और आधा मछली, और किटन्स वो भी पानी में अच्छा है। ये जुआ तो खेलना। Damn it! क्या? अरे कोई नहीं, वो लुईस था। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं और आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। हाँ जानता हूँ। मैं मार्क कस्टन बोल रहा हूँ, अपना मैसेज छोड़ देना, मैं वापस कॉल करूंगा। कस्टन, कहाँ पर हो तुम यार? कॉल करो मुझे। हेलो, क्या आप रॉबिन्सन हैं? मैं मार्क कर्स्टन का दोस्त हूँ। हाय। उसने सुसाइड कर लिया। मैं बचपन में वहाँ जाया करता था, वहाँ पर रहने के लिए। वो वाकई बहुत ही अच्छे थे, हमेशा मेरी मदद की। किसी मानसिक बीमारी के लिए गोलियाँ ले रहे थे, उन्होंने सारी एक साथ ले ली। तुम्हें पता है क्यों? मुझे लगता है कि ये उन्होंने इंश्योरेंस के लिए किया होगा। उनकी बीवी ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा कर्जा था। लास्ट टाइम जब मिला था तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से आपको सॉरी बोलूं। हम लोग एक साथ काम कर रहे थे। भूख लगी है तुम्हें? लगता है तुम ठीक से सोए नहीं हो। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? 19 होने वाला हूं, मतलब वैसे मैं 18 साल का हूं। तुम कभी समुद्र में गए हो बेटा? Подлодки они как гляди. Чем старее, тем они лучше обслуживают.
Маслица надо капнуть. И будет работать как новенькая. तुम भी सबमरीन में काम करते हो? नहीं। तो तुम क्या करते हो? पेपर बांटता हूं। पेपर बांटते हो? क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? माफ करना, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। सॉरी, वैसे कोई काम छोटा नहीं होता। स्टील यार्ड की बेकार सी नौकरी से निकाला गया, कारण तुम जैसे लोग हो, बैंकर्स। वैसे मैं बैंकर नहीं हूं, मैं तो बस वहां काम करता हूं। और गिटन्स ने सालों से काम नहीं किया, प्रेजर जेल आता जाता रहता है। और पीटर्स तुम जैसे कमीने लोगों के ऑफिस साफ करता है। देखो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। लोडिंग शुरू करो। जेट से कहो इंजन चेक करे, और ग्रेटर को भी, उसे डीजल पता है। और लेफ्टिनेंट को से कहो इलेक्ट्रिक को चेक करे। पीटर्स, तुम उस एस्केप चैंबर पर दरवाजा लगा सकते हो? मैं इसे पूरी तरह से देख लूंगा बॉस। रुको रॉबिन्सन, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा इस कबाड़ को देखो, ये कभी भी डूब सकती है। ये बेकार सबमरीन होगी अगर। आराम से, गया। खींचो खींचो। सारे पैनल्स ऑफ। ए जारो, बी जारो साथ में है। रोप चार्ज्ड 300 bars, 300, और हाइड्रोलिक्स काम कर रहे हैं। 120 bars। 120 थोड़ा कम नहीं है? हाँ, ब्लैकी कहता है कि इस तरह की बोट के लिए आम है। बैलेस्ट ट्विन पंप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खिड़कियाँ। खिड़कियाँ क्या? सबने कहा निकलने से पहले मुझे खिड़कियाँ साफ कर लेनी चाहिए, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही हैं। बेटा, ये सबमरीन है, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती। और ये झाड़ू किस लिए? चिमनी के लिए। क्या वो भी नहीं है? नहीं बेटा, चिमनी नहीं, इधर आओ। ऐसे अच्छा सा है, तुम्हें पसंद करते हैं, इसे हटा दो। ओके, क्या हुआ, काम हुआ? नहीं, बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, वो बस 70% ही चार्ज होगी। जिन जेन का कहना है कि हाँ, वही जेड सेफ कहता है कि डीजल इंजन ठीक है, पर वो लीकेज को कहीं ढूंढ नहीं पाया जो मेन टर्बाइन हाउसिंग के उसे ऊपर है। ढूंढो उसे और ठीक करे। हे रॉबिन्सन, स्केप सूट्स नहीं है, और रेडियो का पता है एक ही सर्किट काम कर रहा है, और अगर वो भी बंद हो गया तो हम लोग रेडियो का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। रूसी बेड़ा हमारे ऊपर होगा। बाहर जाना अच्छा लग रहा है। मुझे लाने के लिए थैंक यू बॉस। सुनकर बुरा लगा कि क्रिसी ने आपको छोड़ दिया। अच्छी लड़की थी क्रिसी, जो हुआ बुरा हुआ। थैंक यू ब्लैकी। यस बॉस। हाँ पीटर्स, एस्केप सूट्स है ही नहीं, क्या मतलब है इसका? एस्केप सूट्स नहीं है मतलब भाग नहीं सकते। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो वो बेकार सा रेडियो काम आएगा। घबराओ नहीं बैंकर, हम तुम्हें सुरक्षित पहुंचा देंगे। वैसे मैं बैंकर नहीं हूँ, और वो जो वहाँ है वो एस्केप सूट्स ही है ना? डाइविंग सूट्स। मतलब अगर हम मुसीबत में फंस जाए तो इसे पहनकर भाग सकते हैं? ओ हाँ बिल्कुल, आप 80 मीटर तक बाहर जाकर वापस आ सकते हैं एक छोटे होस पर। इससे ज्यादा कुछ नहीं? हाँ देखो, सबमरीन पर ऐसा ही होता है, बाहर तो बस काली ठंडी मौत है, सोचने पर मजबूर करता है।
लेकिन क्यों सोचने पर मजबूर करता है? सोचता है साला मरने वाला है। ऐसा तुम क्यों हंस रहे हो? तुम तो इनकी भाषा भी नहीं समझते। आ जाओ। रूसी खुश नहीं है टोबिन के बारे में। उसे अनछुआ बुलाते हैं वो। नाव पर अनछुए का होना कभी भी अच्छा नहीं होता है रॉबिन्सन। Come on, वो 18 साल का है और आजकल कौन सा 18 साल वाला अनछुआ है? हा? ये बात नहीं है, वो उसे अनछुआ बुलाते हैं, इसका मतलब है बुरा है, बहुत ही बुरा। अच्छा, मैं उस वहम में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। सबको यहां जल्दी से बुला लो, उन्हें बताना है कि इसमें क्या मिलने वाला है। तो कितना सोना होगा? मेरे ख्याल से 40 मिलियन, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। उन कमीनों ने उसे निकाल दिया जिसे ये पता चला। क्रिस्ट एक अच्छा आदमी था, वो नौकरी को जिंदगी दे दी, हम जैसों की तरह जो यहां है। उन्होंने निकाल दिया उसे, उसने खुद को मार डाला, उन्होंने मुझे भी निकाल दिया, उन्होंने आदमियों को टॉयलेट में पड़ी टट्टी की तरह फ्लश करके निकाल दिया। लेकिन अब उन्हें हमें हिसाब देना ही पड़ेगा। 40% इसे जाएगा जो हमारी मदद कर रहा है, इसे डैनियल के बॉस को, और बाकी का हम सबका है, हम सबका बराबर का हिस्सा होगा। अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, एक घंटे में निकलना है हमें। बराबर का हिस्सा, ये तुम क्या कह रहे हो, पागल हो गया? क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाँ, पर एक काम के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, दे दो उन्हें चिथड़े। तुम क्या कह रहे हो? देखो, ये वैसा नहीं है और इसका किसी चीज से क्या लेना देना। सुनो रॉबिन्सन, हम सबमरीन पर हैं, हमें इनके साथ रहना है और इसमें बहुत सारा सोना है, समझ गए? क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया कि कम लोग होने से हिस्सा बढ़ सकता है, इसके बारे में सोचा तुमने? शायद गड़बड़ हो सकती है। बॉस, हम तैयार हैं। Closing! सारे मेन वेंट्स खोल दो। यस बॉस। मुख्य वेंट्स खोल दो। मिडशिप्स टू हेल्म। मिडशिप्स टू हेल्म। 10 डाउन। 10 डाउन बॉस। 30 मीटर, उसके बाद पेरिस्कोप की गहराई तक वापस ले आना। 30 मीटर, फिर वापस पीडी पर बॉस। रेडी हो जाओ, डाइविंग अभी। मुझे 2 की जरूरत है, काम अभी यार इसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए।
जद साहब, जद साहब, रॉबिन्सन ने कहा कि बॉस जद साहब को कोई चाहिए, इससे इंजन के प्रेशर में मदद मिलेगी। रॉबिन को भेजा है मैंने। टॉबिन से कुछ नहीं होगा, बुरा है वो, बुरा। जेड सेफ से कहो टॉबिन के साथ काम करे या फिर मेरी बोट से निकल जाए। देखो तुम्हें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, इस तरह से काम करने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, समझ गए तुम, काम चाहिए। इधर आओ तुम टॉबिन। ठीक है, सब ठीक है, आसान है सब कुछ। जेड सेफ लीक ढूंढने पर तुम्हें इशारा करना है, अगर तुम्हें मिला तो इस तरफ घुमा देना, समझ गए तुम। चलो आओ इस तरफ आ जाओ, अगर रूसी कम है तो फिर मैन शे, और अगर रूसी ज्यादा है तो फिर वॉल शे। वो कहता है कि कम है तो मैन शे, वॉल को इस तरह से दाएं घुमाना है तुम्हें। वो कहता है ज्यादा है तो फिर बाएं घुमाना है, बॉय शे की तरह, समझ गए तुम। कौन सा वॉल? ये वाला, एक दो तीन अंदर, एक दो तीन नीचे, एक दो तीन नीचे, एक दो तीन ऊपर। हाँ है ना। हाँ, नहीं, 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 देखो मैं समझाता, एक दो तीन, एक दो तीन नीचे, एक दो तीन डाउन, एक दो तीन डाउन, गड़बड़ मत करना। ठीक है, बिल्कुल नहीं। एंजॉय सर, सर एक दो तीन ऊपर आ जाओ, नीचे एक दो तीन, ऊपर एक दो। साला कितना गलत है कि उन्हें भी उतना ही मिलेगा जितना कि हमें। तो इसमें आखिर गलत ही क्या है? 2 मिलियन काफी नहीं है फ्रेजा? तुम मजाक कर रहे हो ना, 2 मिलियन? जहां से ये लोग आते हैं शिटविलिस्टन, हमारे लिए तो 20 मिलियन है। ये साले हम पर हंस रहे होंगे। ये क्या किया है तुमने? क्या बनाया है? क्या बकवास बनाकर हमारे पास लेकर आए हो? क्या लगता है हम ये से खाएंगे? मैंने तकरीबन 3 महीने काम किया 90 के दशक में उन अमेरिकी सी वुल्व्स में, और वहाँ भी खाना ऐसा ही था। खाना छोड़ो यार, खाना तो बहुत मजेदार है दोस्त। मैं बीफ सैलेड की बात कर रहा हूँ, और हाँ ब्रुल्ड हाम की बात कर रहा हूँ, और मैं चिकन जैम बल्लाया की बात कर रहा हूँ, एंड डिल सॉसेज के साथ। जीसस क्राइस्ट। और हमें क्या मिलता है? लेवचेंको का टॉयलेट एक कटोरे में। हाँ गलत मत समझना, लेकिन वो बंदा गॉर्डन रामजी शेफ है गडान का। ये रहा तुम्हारा खाना। Ты что делаешь, придурок? Что ты делаешь? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Арам се фреза. बकवास खाना है। चला सब हंस रहे हैं हम पर, दिमाग खराब करके रखती है। एक बात बताओ, जान सकता हूं तुम उस चीज को इतने दिनों से घूरे क्यों जा रहे हो? दिखाओ जरा। ये तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें लड़की पसंद होगी, वो गर्भवती है। मैं सच में नहीं जानता ये कौन है। मैं जानता तुम्हें डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटा, तुम अमीर आदमी बनने वाले हो, कोई कमी नहीं होगी तुम्हारे बेटे को। बेटा
मैंने उनसे कहा कि तुम अनछुए हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजन शुरू करो। मैंने कहा इंजन शुरू करो। इंजन 360 मीटर हमारे आगे हैं। Судя по шуму винтов, эсминец. Наш. Идет прямо на нас, курс 20 узлов. Русский дестройер. Пашчим, уттер-пашчим мы 20 нот пар хэн. Дистанция 1.5 кабель тылых посылки нет. 208 метр хэн. Один и два кабельтовых. Об 200 метр пар хэ. Проходит. Во жа раха хэ. Дакшин ки тараф. Посылки. Чала гя хэ шаэд. Прошел. Аб пури тара никал гя. एक काम करो, एक घंटे में 3 नॉट पर घूमने दो और उसके बाद आराम से आगे जाना। ज़ैफ, मशीन का हर पुर्जा ठीक से देख लेना, कहीं कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाबा, तू बहुत ही काम का बंदा है। Дожили, Юрич. От своих шифруемся. मुझे टेंशन हो रही थी। टेंशन टेंशन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। ऐसा है क्या? तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? थोड़े और दिन होने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो पागलपन है। वो तो है, पर इसका भी कुछ मतलब है। देखो हमें लड़के, हम सब पेंगुइन्स हैं। पेंगुइन्स? हाँ, पेंगुइन्स। पानी में डालो और क्या मिलता है? कुछ ऐसा जो सुंदर है, सपाट और खूबसूरत और ताकतवर है। हाँ, और जानते हो वो क्या कह रहा है? सूखी जमीन पर रख दो और क्या मिलता है? एक बेवकूफ, बस एक बेवकूफ पेंगुइन। तुम अपने हिस्से के साथ क्या करोगे? वैसे तो कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन थोड़े कर्ज चुका दूंगा और बाकी बीवी और बच्चों को दे दूंगा। मैं बाप बनने वाला हूं। ओह, एक लड़का होगा, मैं उसे अय्याश बना दूंगा। 2 मिलियन आजकल बहुत ज्यादा नहीं होते। वैसे कुछ कम भी नहीं होते। Ты что-то попутал, Каре? Эй, 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 арамсе, арамсе! Мири, галти кя? Чего? Все. Это наша сторона. Слышь, Зак, ты тут смотри, не обоссись. Тум жанте она, во кя кар рэ? वो चाहते हैं कि वो लड़का सुसाइड कर ले ताकि उन्हें कुछ ज्यादा मिले। वो हम पर हंस रहे हैं। करोश पिज़्ज़ेट। मुंह बंद रखो। यू बोर्ड के बिल्कुल ऊपर है। ए ब्लैकी, जत्सों को लीक मिल गया है। ईंधन की लाइन को खाली करना होगा मरम्मत से पहले। ये बताओ कितना टाइम लगेगा? सच्ची 4-5 घंटे लगेंगे इसमें। हम अभी यू बोर्ड के ऊपर हैं
और हम लोगों को बैटरी को चार्ज करवाने के लिए डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़्यादा गहराई में जाना पड़ा तो शायद मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। रॉबिन्सन, तुम्हारे कुछ आदमी ऐसे हैं जो पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि रूसियों को ज़्यादा मिलेगा। सबको बराबर हिस्सा मिलेगा ब्लैकी, ठीक है? ठीक है। ये मेरे हैं। क्यों दे दे? दे दो उसे। नहीं दे। मैंने कहा दे दो उसे। ये मैंने ईमानदारी से मेरी बात सुनो। ईमानदारी से दे दो उसे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर है। क्या हो रहा है? ये मेरा है, ये मेरा नंबर है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नंबर लगा है। मैंने 30,000 जीते हैं। ये कहता है कि मैंने ये इसके साथ लिया है, लेकिन मैंने दूसरे वाले लिए हैं। हाँ, तो मैं उन कमीनों के बारे में कुछ करना होगा। प्लीज कैप्टन, वो पहले से ही ज्यादा ले रहे हैं, और अब तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें लूट रहे हैं। वो तो ज्यादा से ज्यादा लेने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बस उन्हें चाहिए और चाहिए और चाहिए। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा नंबर लग गया? क्या एक बात बताओ, क्या तुम रेडियो पर हो? पूछा हूं तुमसे, तुम रेडियो पर हो क्या? इस वक्त हम लोग ब्लैक सी बेड़े के नीचे हैं। हम उस कमीने के दिमाग खराब हो गया। क्या करूं मैं तेरा? अब ताली छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम ये क्या किया तुमने? उस रेडियो को तोड़ डाला। मुझे वो टिकट दो। मैंने कहा मुझे वो टिकट दो। 30,000 के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ 30,000 के लिए। अब तुम सब मेरी बात सुनो, यहां पर मौजूद हर आदमी को बराबर हिस्सा मिलेगा, हम में से हर एक को। और जिसे यह नहीं पसंद है वो इस जहाज को खतरे में डाल रहा है, और जो भी इस जहाज को खतरे में डालेगा उसे यहां से बाहर जाना होगा। मैंने तुमसे कहा था गड़बड़ होगी। उनको बता दो कि सौदा बदल गया है, वरना वो पैसों के लिए हमारे टुकड़े कर देंगे। मैं जो कह रहा हूं वो करो रॉबिन्सन। अपना हाथ मुझ पर से हटा। देखो देखो मेरी बात तो सुनो। एक दो तीन, एक नीचे एक ऊपर, इसको बाएं और तुम्हें पता नहीं चलता है, बंद करो। उस तरफ घुमाओ। जेड से माफ करना। जेड से सॉरी। जेड से आई एम सॉरी। मत बोलो तुम। आई एम सॉरी दोस्त। छोड़ो उसे, बेवकूफ मत बनो, बच्चा है वो। I'm sorry. मैंने कहा ना I'm sorry. मैं बाएं, मैं दाएं, समझ नहीं आता, मारूं एक। ए कमीने, तुम उसे दूर रखो। तुम एक बच्चे से सख्ती दिखा रहे हो। हाँ, मुझसे दिखाओ, हिम्मत है तो मैं मिनटों में तुम्हारी अखड़ ठिकाने लगा दूंगा। उसके साथ बेवकूफ बन रहे हो। उसे छेड़ना मत, समझे? क्या हुआ? छेड़ना मत उसे। तुम उसकी तरफदारी कर रहा हूं, क्या कर लेगा? उसकी तरफदारी कर रहा हूं, उसकी तरफदारी क्या कर लेगा तू? जाओ, चूरा मुझे दे दो। अच्छा, चूरा मुझे दे दो। चाहिए चूरा मुझे दे दो। ओ नहीं, क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मेरी कहानी। <गुण। laughs>
फिर से 3 महीनों के लिए चले जाओगे। डैडी एक नाव में रहते हैं। डैडी एक नाव पर काम करते हैं। डैडी एक नाव उससे कुछ मत बोलो इस तरह से। उसके साथ वक्त बिताने, वो तस्वीर नहीं है, वो छुट्टियों में मिलता है। उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया? उसका बड़ा घर तुम्हें बहुत पसंद आया, या फिर उसकी बड़ी गाड़ी? हाँ प्रिसी रुको, प्रिसी रुक जाओ। मैं कितनी देर तक बेहोश था? शायद 18 घंटे। रूसी पागल हो गए हैं, उन्हें फ्लायर गन से काबू करना पड़ा था। मेन ड्राइव का शाफ्ट बर्बाद हो गया, बुरी तरह से विस्फोट हुआ था। बैलेस्ट टैंक्स को नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि बैटरीज के 36 घंटे बचे हैं सिर्फ अंधेरा होने से पहले। रूसियों ने सारा पानी अपने कब्जे में कर लिया है और हमारे पास खाना है। उन्हें खाना चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा पानी। पानी के बिना हम बहुत दिन नहीं जी पाएंगे। चुप रहो साले जानवर। तुमने हम सबको मार डाला है फ्रेजर, तुमने हम सबको मार डाला है। क्या हम यहां मरने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। Ya mogu sdelat. Etu de baru tu. Lord ki. Ya mogu sdelat. Etu de baru tu. Morozov. मेरे पास कोई हथियार नहीं है। या मोगु स्टेलात एतो रेबारतु लॉर्ड की। क्या बोल रहे हो तुम? तुम मेरी भाषा समझते हो? तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बोला? किसी ने मेरे साथ नहीं बोला तो मैंने किसी के साथ नहीं बोला। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं इस बोट को चला सकता हूं। हम हैं कहीं यहां से यहां। इसका मतलब है कि हम उन दो चोटियों पर हैं, या फिर हम दब जाते है ना? अगर हम इस चोटी पर हैं तो हम यू बोट के पास होंगे, और अब ये सब मरीन यू बोट के आकार की ही है। तो अगर हम यू बोट ढूंढते हैं तो हम अंदर जाते हैं और ड्राइव शाफ्ट को ले लेते हैं। 70 साल से पानी में है, अब बेकार है वो, बिल्कुल बेकार। नहीं,
नहीं, ब्लैक सी की गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं और सड़न भी नहीं, और तो और यहाँ पर रोमन जहाज भी ठीक से पड़े हुए हैं। देखो, जब हम अंदर जाएंगे तो हमें ड्राइव शाफ्ट मिल जाएगा, हम उसे मशीन से इंजन में खींच लेंगे। और अगर इस समुद्र के नीचे से इस नाव को हटाया गया तो? ये नाव खत्म हो चुकी है। देखो, हम इसे चला नहीं सकते, ना मुमकिन है, हम इसे चलाने वाले नहीं है। हम इसे सतह पर ले जाएंगे और फिर हम इसे लाइफ राफ्ट में ले जाएंगे। अगर हम दूसरी चोटी पर हुए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस नाव को हिलाने के लिए हमारे पास ज्यादा आदमी नहीं है। जानता हूँ, हमारे पास काफी है, लेकिन अभी हमें बाबा चाहिए। सोनार टूट गया है और हमें नहीं पता वो किस तरफ पड़ा हुआ है। बाबा और जैद सेव अंदर हैं। जब उसने ब्लैकी को मारा तब से वो इसे मारना चाहते हैं, वो सबको मारना चाहते हैं, वो पागल हो चुके हैं। देखो, हमें बाबा और जैद सब चाहिए होंगे और फ्रेजर भी, और उसने जो किया है वो हम भूल नहीं सकते, लेकिन अभी हमें सबकी जरूरत है इस नाव को ऊपर उठाने के लिए। हम जिएंगे भी साथ में और मरेंगे भी साथ में। अब तुम में से किसी को जाकर उनसे बात करनी होगी। ये जानकर कि कुछ भी हो सकता है, मेरा मतलब अगर हमें पता चला कि वो काम नहीं कर सकता तो। पीटर्स, हम उन लोगों को कोई भी काम नहीं दे सकते। तुम फ्रेजर को ले जाओ और उन्हें ट्यूब पर डाल दो। यस बॉस। और अच्छी तरह से करना, ओके? ठीक है। सॉरी दोस्त। मुझे लगता है वो आ रहे हैं। तैयार। गो। रुको। Хорошо. Наверх подымемся, я у тебя печень съем. А? Наверх, говорю, подымемся, я у тебя печень съем. Мне интересно из батка. Ты мне साथ बाहर आ रहे हो, है ना? पहले डाइव किया है क्या?
हाँ, काफी सालों पहले किया है। अब हालत देखो मेरी। ओह पीटर्स, मैं तुम्हारी देखभाल कर लूंगा, वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्लिश मारोज़ेव, ну вот как-то так, но это все очень приблизительно। वो यह क्या रहा है? बाबा को लगता है कि समुद्र के तल से कुछ उठ रहा है, 100 मीटर दूर शायद, या 400 मीटर दूर। उठने वाली चीज यू बोट हो सकती है, और वो है शायद यहाँ। यू बोट से 100 मीटर की दूरी पर, ये तो काफी करीब है, हम वहां पहुंच सकते हैं। या वो एक छोटा सा पहाड़ देख रहा है, जिसका मतलब हमारे यहां पर है चोटी की दूसरी तरफ। बाबा के मुताबिक ये ठीक से पता चल सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, शायद कुछ दिन। देखो मैं तुम सबको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, पर मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मेरा पैर। डैनियल चुप रहो, अगर हम अब करते हैं, अगर हम चोटी की दूसरी तरफ है तो हम वैसे भी मर जाएंगे। दूसरे ड्राइवर का क्या, दो के साथ नहीं हो सकता। मैं ड्राइवर बन सकता हूँ। क्या तुम्हारे लोग ड्राइव करते हैं? किसी ना किसी को तो ये करना ही होगा। मैं कर सकता हूँ, यूथ क्लब में स्कूबा डाइव किया है। ध्यान रखना, फ्रेजर के साथ रहना, वहां पर उसे पता है वो क्या कर रहा है। हमारे पास ऑक्सीजन सिर्फ एक बार करने के लिए है, वो ध्यान रखना। ओके।
वैसे इस समुद्र का तल कैसा है? पत्ते की शीट से बने मक्खन की तरह है। टॉबिन, टॉबिन तुम ठीक हो? क्या हुआ टॉबिन? फ्रेजर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ओ, ठीक है, प्लीज, तुम ठीक हो? तुम्हें पकड़ लिया मैंने, आ जाओ, आ जाओ। वो ब्लैक ही था, बिल्कुल मेरे सामने आ गया था। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। खूना ढूंढ लिया है। किसी को चोट लगी है क्या? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, टॉबिन को शायद अपना अंडरवेयर धोना पड़ेगा, पर हम ठीक हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। पीटर्स, क्या कर रहे हो? हाँ, बस हो गया। रेत उड़ रही है। हम एक पहाड़ पर हैं। तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें पूरा यकीन? हाँ हाँ, ये सीधे ही उड़ रही है। कोई गलती तो नहीं हुई है? हम चोटी पर ही हैं, हम पहाड़ की चोटी पर हैं। क्या? यहीं पर है। क्या? फिर से कहो जरा, क्या? मैंने ढूंढ लिया है। हाँ, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। क्या बात है, मजा आ गया। मिट्टी के नीचे है। बहुत बढ़िया क्या? सच में कमाल हो गया। करने आए हैं वो करते हैं।
भी आया। हमें मिल गया, हमें टाइप शाफ्ट मिल गया है। टोबिन और पीटर्स उसे भर रहे हैं, ओके? देखो, ध्यान से सुनो, तुम लोगों को सावधान रहना होगा, ठीक है? और बाहर निकलने का रास्ता वहीं से होगा। समझ गया। उनके हाथ में ड्राइव शाफ्ट है। तक उजाई की जरूर की जरूरत है। लैब चंग कहता है। ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसे आराम से लेकर चलना होगा। आराम से आ जाओ। पत्र ही должно लैब जंगो कहता है कि ट्रॉली 4 टन पर खिंच रही है। फ्रेजर, बता सकते हो क्या हो रहा है? ठीक है, बस मिट्टी है, थोड़ी मदद चाहिए होगी। ये क्या हो रहा है? ये इतना भारी क्यों है? उनके पास सोना है। ये तो बहुत भारी लग रहा है। हम इसके लिए यहां आए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमें इसे बाहर निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। रॉबिन्सन, मेरी बात सुनो। अगर ड्राइव शाफ्ट गया तो हम गए काम से। उनसे कहो सोना वहीं छोड़ दे। कोशिश करते रहो। चलो आराम से हिल रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस और जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो। रॉबिन्सन, उनको रोको। उसे आने दो फ्रेजर, कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। हम फिर से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वरना हम सब कुछ खो देंगे। उसे दाएं तरफ खींचो। फ्रेजर, क्या तुम ये कर सकते हो? फ्रेजर, बताओ मुझे, क्या तुम ये कर सकते हो? रॉबिन्सन, हम सब के सब मारे जाएंगे। कोशिश करते रहो। भी कह रहा हूं, रोको उन्हें। चढ़ा।
तो वो बस वहां पड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है? ढेर सारा सोना मिलने पर जैसा लगता है। मुझे लगा वो संभाल लेगा, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर ही नहीं जाता। तो क्या हम उसे लेकर आए? और किस लिए? वो सोना $1 मिलियन का है। तो क्या तुम करना क्या चाहते हो? उसे ऊपर लाकर रूसी सेना को समझाओगे? तुम इस मिट्टी में छोड़ देना चाहते हो? हाँ, मैं वही करना चाहता हूं। हमें इसे छोड़कर यहां से चले जाना चाहिए। क्या तुम उनसे पूछ सकते हो कि इस नाव को तैराने में कितने आदमी लगेंगे? इसे तैराने वाले हो? क्या? क्या मतलब है तैराने वाले? हम इसे नहीं तैराएंगे, हम सीधे ऊपर जाएंगे। हम नहीं तैराएंगे, मैं कहता हूं कि हम नहीं तैरा सकते। हम सीधे ऊपर जाएंगे, वरना हम सब मारे जाएंगे। हमें ऊपर जाना चाहिए। अब इस जगह पर 9 लोगों के साथ कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, 9। तो अब तुम सब के सब मिलकर 8 हो। नहीं नहीं, मैं इस पागलपन में शामिल नहीं हूं। मैं ये नहीं करूंगा। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में, अभी। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। देखो देखो, मैं बस एक सीधा साधा इंसान हूं जो किसी के लिए काम करता है। ये सब मेरा आइडिया नहीं था। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे भी नहीं, और किसी को भी नहीं मिल रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पैसे किसने दिए? लुइस, जो साला उस बड़े घर में है। अकोरा, तुम्हारी पुरानी कंपनी। हम लुइस को साथ में मिले थे, है ना? लुइस कोई नहीं, उसने तो बस सोचा कि ये शायद एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। देखो, कोई लुइस नहीं है, ठीक है? अकोरा ने तुम्हें फंसाया है। उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला था? जैसे तुम बाहर आओगे वो तुम्हें सीधा गिरफ्तार करवा देंगे। उन्होंने जॉर्जिया के साथ सौदा भी कर लिया है। उन्हें उन्हें बस बल चाहिए था। नहीं 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 नहीं, कस्टन ने बताया था वो कहाँ था, और उन्हें उन्हें कैसे पता चला कि कस्टन मुझे बताएगा? उसने तुम्हें एक पब में बताया था कहाँ था लॉरेस्टन, June 18 को। हमने उसे $30,000 दिए थे। मुझे माफ कर देना रॉबिन्सन। मैंने टॉबिन को नीचे भेजा है। वो एक लड़का है। मैं समझ सकता हूं। आदमी मर चुके हैं। वैसे भी वो कभी भी हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। प्लान? देखो, मैंने तुमसे कहा ना, सॉरी। दरवाजा बंद कर लो, शायद ये तुम्हें बचा ले अगर वो मुझसे आगे निकल दे। इसे चुप कराओ, मैंने कहा चुप कराओ इसे। हमारे रास्ते से हट जाओ रॉबिन्सन, इसे मरना होगा और अब इसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर क्या? हाँ, हम ऊपर जाएंगे, सोना उन्हें दे देंगे। हाँ, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं पूर्व में। तो हम पूर्व नहीं जाएंगे, हम दक्षिण में जाएंगे। रहने दो सैमसन, वो नॉर्दर्न टर्की में, कहीं से भी बहुत दूर। वो 100 मील है, वहां पर खाली गुप्त स्थान है। मैं जानता हूं। ऊपर जाना चाहिए। मोरोज़ोव, मोरोज़ोव, क्या तुम हमें सैमसन ले जा सकते हो? नक्शे देखे हैं तुमने? हाँ, मेरे पास नक्शे हैं, पर मुझे जगह पता है रॉबिन्सन, ठीक नहीं है, गहरा नहीं है। हम कम गहरे पानी से जा सकते हैं, हमारे पास वो रास्ता है। बैटरीज, हम बैटरीज को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि नौसेना वहां पर है, हम नहीं जा पाएंगे। कितना समय लगेगा चक्कर लगाने? 12 या 14 घंटे। 12 से 14 घंटे ना, ठीक है। वो हमें ढूंढ लेंगे, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने नहीं देंगे। तुर्कियों की नौसेना पोत है ट्रैबज़ोन में, वो भी तट से 20 मील ऊपर।
वो तुर्की नौसेना की तरफ चलने वाले तो नहीं है ना? और छोड़ो ये सब बकवास, बंद करो। मैं अब इसे मारने वाला हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम ये कर सकते हो, तुम इसे मार सकते हो, कर लो मुराद पूरी। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम जी सकते हैं, साफ हवा की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हम अपनी बाकी की जिंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे अब तक जी रहे थे, अपने पेट पर रेंगते हुए इस तरह के कमीनों के लिए। वो लोग जिन्हें हम जैसा कूड़ा मिलता है काम करने के लिए, लोग जिन्हें हम मिलते हैं उन्हें अमीर बनाने के लिए। मैं गरीब होकर घर नहीं जाऊंगा, और इसके बाद तो नहीं। हाँ, इसकी हालत बहुत खराब है। आधा दिन सुना, आधा दिन। और दोस्तों, वो सारा सोना हमारा हो जाएगा, सारा हमारा होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जाओ लेकर आओ उसे। चार दशमलव तीन टन। वो क्या कह रहा है? 82 मिलियन। इसका मतलब है पूरे $448,000। जरा ये दरवाजा खोलो। काम पर जाने का वक्त हो गया बैंकर। रेजा, तुम्हारा सजा हुआ असिस्टेंट आ गया है। और जब वो कहता है कि इसे यहां डाल दो तो इसे डाल दो, समझ गए? रेसा, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारा एक परिवार है। मैं तुम्हारा कौन हूं? तुम्हारा दोस्त हूं? मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। देखो, मेरी दो छोटी बेटियां हैं। हम लोग तैयार हैं, बस सब कुछ ठीक है। मुझे पीटर की सांसें सुनाई दे रही हैं। पीटर के बारे में कुछ भी मत कहो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। हमें सोना लेने वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे फैसले पर इसका असर हो रहा है कैप्टन।
इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो कि वो सही नहीं है। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा था। अब तुम्हारी नजर इस बबल और इस डेथ गेज पर रखो, बायां हाथ डाइव करने के लिए और दायां हाथ उठाने के लिए, ठीक है? मेरे ऊपर नजर रखना और जैसा मैं करूं वैसा करना। लैब चैंक को कहता है, इंजन तैयार है। या तो ये काम करेगा या नहीं, समझ गए? इलेक्ट्रिक इंजन ऑन करो। मशीन ठीक से चेक कर लो। अच्छी बात है। तुम उस सोने को कभी खर्च नहीं कर पाओगे, ये बात तो तुम जानते हो ना। वो शाफ्ट चलेगा नहीं। प्रेसर, अगर हम आगे बढ़े तो हम सब के सब मारे जाएंगे। चुप रहो, चुप हो जाओ। वेव्स 5 नॉट्स के लिए, मिडशिप्स टू रडर, 10 अप। Turn up. इंजन लोडिंग कर रहा है। 90 मीटर, 80, 75। इंजन लोडिंग, बैटरी ठीक है, 70, 65। सारे वेंट्स और क्लोजर चेक करो, मैं जानना चाहता हूँ रडर इसे पकड़ रहा है या नहीं। रबर ठीक है बॉस, 60। इसे रोक दो, 60 मीटर पर हम रुके हुए हैं। हमें बहुत दूर जाना है, बस चलते जाओ। स्टारबोर्ड बाउ की तरफ चट्टाने हैं, करीब 60 मीटर की दूरी पर। पीछे रहो, इमरजेंसी पूरी तरह से फॉल, अस्टर्न पोर्ट अभी। ये सारी चट्टाने कहां से आ गई? वॉल बंद कर दो। 40 मीटर। क्या हमारी स्पीड कम हो रही है? 20 मीटर। रेनॉल्ड्स जल्दी बताओ, क्या हम रुक रहे हैं? 10 मीटर।
8 метров. 8. 5. 5 метр. हम रुक गए हैं। ये अब कहां से आ गया? सब बकवास है। जान सकता हूं ये अब कहां से आ गया? मुझे नहीं पता, हम रास्ते से हट गए हैं। ये नक्शा बकवास है। मुझे बताओ हम कहां पर हैं अभी? ओह जीसस क्राइस्ट, तेरी की क्या हम कम गहराई में? हम कम गहराई में फंस गए। हम पीछे जा सकते हैं और आसपास। कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। पूरे 8 घंटे। हमें ऊपर जाना है, हमें ऊपर जाना है। एक मिनट, ये क्या है? पहाड़ी है। क्या बाबा उसके अंदर से हमें ले जा सकता है? रॉबिनसन, वो 100 मीटर लंबी है, या शायद उतनी भी नहीं। कितना समय लगेगा? 40 मिनट लगना चाहिए, या शायद 1 घंटा भी लग सकता है। हम ये कर सकते हैं, हम उसके अंदर से जाएं। नहीं। क्या क्या कहा तुमने? नहीं। एक बार फिर से कहो। तुम हम सबको मार दोगे। ये सोना तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है। इसका मतलब तुम मेरा आदेश नहीं मान रहे हो। सही समझ रहा हूं फ्रेजर? वो तुम्हारा सोना है, समझ गए? अमीर बनने से सिर्फ 2 घंटे दूर हो, सिर्फ 2 घंटे। अब जाओ अपनी जगह पर, वापस जाओ। दोबारा नहीं कहूंगा, अपनी जगह वापस जाओ। क्या हुआ? हम ऊपर जा रहे हैं क्या? हाफ आगे, 2 knots। ठीक है, क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? Как докладывает? Mass 110 meter, starboard clear to port. 2 degrees दाईं तरफ आओ। Revs 3 knots। संभाल कर चलो, संभाल कर। फ्रेजर मेरी बात सुनो, तुम जानते हो कि इससे हम सब मारे जाएंगे। देखो 9 लोग इसे तैरा सकते हैं, है ना? सिर्फ 9। अगर हमें से एक भी चला गया तो हमें ऊपर जाना होगा। सिर्फ को मार डालो, उसके बिना हम इंजन को नहीं चला पाएंगे और हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा। रेनॉल्ड्स, फ्रेजर को और तेल चाहिए। फ्रेजर के लिए तेल लेकर आओ, जल्द से जल्द। Вошли.
Стенка справа 40 метров, слева 30. Мас 40 метров старборд, 60 метров порт. Нече се уть рахе хэн. Trim 80 gallons, hard true forward. Eighty gallon. Bahut badhiya. Ab chalo. Risa, uska dimag kharab ho gaya hai. Hame upar jana hoga. Peter ke bare mein socho. Ye humme se kisi ke saath bhi ho sakta hai. ठीक है, हम एक हिस्से में हैं। जीसस क्राइस्ट रॉबिन्सन, निकलने में कितना समय लगेगा? हम नहीं कर पाएंगे। तुम नहीं, मोरोज़ोव से पूछ रहा हूँ। 20 या 30 मिनट। मेरे हिसाब से स्टारबोर्ड को 2 डिग्री आना होगा। That's it. Pressure gauge. Pressure. Yeah. देखो क्या हो रहा है। जेट सेव। क्या हुआ? हम गति खो रहे हैं। कैसे? और सारे सिस्टम। जेट सेव मर गया है। जब हम टकराए तो उसका सिर इंजन से टकरा गया और सिर फटने से वो मर गया। और उसका सिर फटा तो तुमने क्या किया है? क्या मतलब है तुमने क्या किया? बताओ क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया। फ्रेजर, तुमने जेट सेव को मार डाला। हे भगवान, हम मुसीबत में है। तुमने जेट सेफ को मार डाला। किसी को नहीं मारा। अब हमें ऊपर जाना होगा, जल्दी। तुमने किया है, तुमने उसे मार डाला। डैनियल, तुम हमेशा से यही करते रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे सब छीन लोगे? रॉबिन्सन, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सोना पाने के लिए तुम इतने पागल हो गए हो कि हम सबकी जान जोखिम में डाल रहे हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? आगे बढ़ो, मार दो, हम सबको मार दो तुम। ठीक है पीरे क्रूस। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। सब खत्म। मैंने कहा सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। रॉबिन्सन, यही सच है। 5 हमें ऊपर ले जाओ। 4 रॉबिन्सन, हमें ऊपर ले जाओ। हम एक और आदमी खो देंगे, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर दो कह रहे
वो सही कह रहा है रॉबिन्सन। हाँ, हम बस जीना चाहते हैं, क्या हम जी भी नहीं सकते? हम नीचे जा रहे हैं। तुम कमीने! हम जा रहे हैं। मैंने कहा था हम नहीं जा पाएंगे। पकड़ लो, कुछ पकड़ लो। रुको लड़के। रुक जाओ। हम नीचे जा रहे हैं। वो भी बहुत तेजी से। बॉटम कहाँ है? ये तो बहुत ज्यादा गहरा है। Come on.
जाओ और चाकू लेकर आओ, जल्दी जाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, मेरी बात समझो, मेरी मदद करो। अरे बाप रे, मुर्रोसो, मेरी मदद करो। क्या हम अभी नीचे हैं? सब मरीन जा चुकी है, सारे आदमी मर चुके हैं, हम मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसे तीन और वहां पर हैं। जल्दी से पहनो, जल्दी पहनो। हमारे पास स्केट सूट्स हैं और तुमने बताया तक नहीं। मैं सिर्फ चाहता था कि हम हताश ना हो, बस। आदमी मर गए हमारे, सब मर गए। मुझे पूरा विश्वास था हम ये कर सकते हैं। वो भले ही बेकार थे लेकिन हम बेकार नहीं हैं। वो सोचते हैं वो हमें बता सकते। वो कौन थे? वो बोलो कौन थे वो? हाँ, तुमने स्केप सूट छुपा दिए थे, झूठ बोला हमसे, हम सबसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरे हो, उनसे भी बुरे हो, सबसे बुरे हो तुम। जल्दी से पहन लो, पहन लो सूट। जब तुम ट्यूब से बाहर आते हो तो इसे खींचना हवा के लिए, ठीक है? और याद रखो, जैसे तुम ऊपर जाते हो तुम बाहर सांस छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे फेफड़े फट जाएंगे। और इसका वजन कितना है? 12 किलो, $500,000। इन्हें सूट्स में डाल सकते हैं क्या? नीचे से अगर निकलना नहीं चाहते तो मैं, प्लीज इसे लेकर जाओ। तुम दोनों जाओ, मुझे यहां प्रेशर बनाकर रखना होगा। तो तुम बाहर कैसे आओगे? इमरजेंसी लेवर इस ट्यूब में है। टॉबिन सुनो, तुम्हें जिंदा रहना होगा उस बच्चे के लिए, ये बहुत जरूरी है। अब जाओ। पानी छोड़ रहा हूं।
हमें रॉबिन्सन का इंतजार करना होगा। टोबिन, कोई इमरजेंसी लेयर नहीं है ट्यूब में, समझ गए? नहीं? हाँ, कोई इमरजेंसी लेयर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रॉबिन्सन, रॉबिन्सन, Thank you.
हूँ।